हेलो रेप्लिकेटर्स, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। टुडे इन लेक्चर नंबर सेवन ऑफ इवोल्यूशन, वी विल टॉक अबाउट स्पीसीज एंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ में हम मेनली डिस्कस ये करेंगे कि जैसे बचपन से लेकर आज तक हम स्पीसीज़ का मतलब पढ़ते आए हैं कि इट इज़ अ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके और सेम दिखने वाले इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज़ में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं जैसे कि हम सारे ह्यूम्स हैं तो हम एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं सारे सारे के सारे डॉग्स एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं सारे मैंगो एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं राइट right. ये चीज़ें हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं तो क्या अपीरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करना स्पीशीज को इज़ करेक्ट और नॉट अगर नहीं है तो हम किस बेसिस पे स्पीशीज क्लासिफाई करते हैं राइट right. तो हम कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्चुअली अभी तक बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटीरियाज़ के बेसिस पर स्पीशीज को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है किसका डेफिनेशन सही है किसका गलत है वो सारी चीज़ें भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में हम कई तरीके के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि सबसे अच्छा कंसेप्ट कौन सा है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कंसेप्ट कौन सा है और एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज़ कौन सी है ओके okay, फिर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है फिर उसके बाद हम बात करेंगे वॉट इज स्पीसीशन स्पीसीशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक नई स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आती है इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक स्पीसीशन एंड पैरापेट्रिक स्पीशी। इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ स्पीसी किस तरीके से स्पीसीशन होता है ओके इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस के ऊपर तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज तो चलिए शुरू करते हैं तो एक्चुअली स्पीसीज इज़ ए लैटिन वर्ड है ना और इसका मतलब होता है अपीरेंस तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सेम अपियरेंस वाले इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज के अंदर आते हैं जो तो सेम दिखते हैं तो एक स्पीसीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जैसे कि हम सारे जो ह्यूमंस हैं ऑल द ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड इन वन स्पीसीज है ना राइट right. ओके okay. अगर हम बात करें ये एक स्पीशीज हो गई अगर हम बात करें डॉग्स की तो वो एक अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल हो गई राइट अगर हम बात करें फ्रूट्स में मैंगो की तो ये एक अलग स्पीशीज हो गई राइट तो क्यों? क्योंकि सारे के सारे ह्यूमंस का अपीयरेंस एक जैसा है सारे के सारे डॉग्स का अपीयरेंस एक जैसा है सारे के सारे मैंगोस का अपीयरेंस एक जैसा है तो ये अलग अलग स्पी कैटेगराइज कर दिए गए ऑन बेसिस ऑफ देयर अपियरेंस बट क्या ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज सही है या नहीं अगर नहीं है तो फिर सही बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीसी क्या होनी चाहिए तो वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमने समझाया वो ये समझाया कि जो स्पीसीज होती है इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या पढ़ते हो किंगडम पढ़ते हो क्लास फैमिली ऑर्डर जीनस ये सब चीज़ें पढ़ते हो तो जो इसमें स्पीसीज होता है इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ओके स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिज्म ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली यहाँ पर तो जैसे कि आप ह्यूमंस को जब कंसिडर करोगे तो सारे के सारे ह्यूमंस एक स्पीसी के अंदर किए जाते हैं है ना अगर हम जैसे चिमपेनजीज की बात करें तो वो एक अलग स्पीसीज है ह्यूमन इज डिफरेंट स्पीसीज एंड चिम्पेंजी इज डिफरेंट स्पीसीज अब हमको स्पीसीज का मतलब थोड़े और अच्छे से क्लियर क्लियरिटी के साथ समझना है तो यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज की है ना राइट जैसे ह्यूमस हैं ह्यूमन्स सारे के सारे ह्यूमन्स एक स्पीसीज में आते हैं चिमपेजी एक अलग स्पीसीज में आता है ओके फिर हम स्पीसीज के बाद डिस्कस करते हैं जीनस की ओके okay. तो दो तो अलग अलग स्पीसीज एक जीनस में आ सकते हैं ओके okay. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम एग्जांपल्स लें ह्यूमन्स में ही तो जैसे होमो क्या है होमो इज जीनस। ओके okay. तो होमो के अलग अलग स्पीशीज हैं जो अब एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते बट जैसे कि अभी जो एग्जिस्ट करता है वो है सेपियंस होमो सेपियंस और इनसे पहले बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज रह चुके हैं जैसे होमो हैबिलस या होमो इरेक्टस राइट इवोल्यूशन में अगर हम बहुत पीछे चले जाएं ह्यूमंस के इवोल्यूशन में हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये स्पीशीज ह्यूमंस की एग्जस्ट करती थी जो कि अब नहीं करती अब कौन सी स्पीशीज करती है सेपियंस तो ये होमो सेपियंस होमो इरेक्टस ये सब एक ही जीनस में काउंट होते हैं दैट इज होमो ओके फिर इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज़ एक जीनस में एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली की तो फैमिली का मतलब एक फैमिली में दो या दो से ज़्यादा जीनस होते हैं फिर उसके बाद आता है ऑर्डर राइट ऑर्डर में कई सारी फैमिलीज आती हैं फिर हम बात करते हैं फाइलम जिसमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं फिर हम बात करते हैं क्लास में, में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं फिर हम बात करते हैं किंगडम में बहुत सारे क्लास आते हैं अलग अलग राइट तो जैसे एनिमल किंगडम है है ना एनिमल किंगडम में इतने अलग अलग क्लासेस होते हैं अलग अलग फाइलम होते हैं जैसे कॉर्डेटा नॉन कॉरडेटा फिर कॉरडेटा में भी अलग अलग ऑर्डर होते हैं फिर फैमिली होती है जीनस होती है सबसे लास्ट जो यूनिट होती है बेसिक यूनिट होती है स्पीसीज़ तो यहाँ पर हम ह्यूम्स और चम्पनजी का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अरेंज होती है तो अगर हम बात करें ह्यूमस uh, की और चिमपेनजी की तो दोनों का ही जो किंगडम है वो दोनों के दोनों सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं दैट इज़ किंगडम एनीमेलिया ओके फिर अगर हम बात करें क्लास की दोनों के दोनों मैमल हैं मेमिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं फिर अगर हम बात करें फाइलम की तो दोनों के दोनों कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं ओके okay? इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर की तो दोनों के दोनों प्राइमेट से बिलोंग करते हैं मतलब अगर हम इवोल्यूशन में बहुत पीछे चले जाएँ तो कहीं ना कहीं ह्यूम्स और चिमपेनजी एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं क्यों दोनों के दोनों देखा मैमल भी ये दोनों के दोनों मैमल्स हैं कॉर्डेटा हैं प्राइमेट्स हैं ओके इनका डाइवर्जेंस कहां पर हुआ होगा तो अभी हम देखेंगे दोनों के दोनों की फैमिली भी सेम है दैट इज होमिनिडे उसके बाद जीनस दोनों का अलग हो जाता है तो ह्यूमंस का जीनस क्या है होमो और चिंपैंजी का जीनस है पैन ओकेन तो यहां पर आकर दोनों का डाइवर्जेंस हो गया ओके और अगर स्पीशीज की बात करें तो ये सैपियंस हैं और ये चिमपेंसी है तो ये यह देखो यहाँ पर दोनों के दोनों एक अलग स्पीशीज हो गए और इस तरीके से इनका ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर कहीं इनका डाइवर्जेंस हुआ होगा दोनों के दोनों अलग स्पीशीज बन गए हों तो आज के इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से डाइवर्जेंस होता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से सलेक्शन प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से स्पीसीेशन होता है ओके तो हम बात कर रहे हैं अभी कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की इसमें अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज तो आपको जो जो स्पीसीज की जो करेक्ट डेफिनेशन है एक्चुअली ये हमेशा से ही एक debate, आ, आ, डिबेट डिबेटफुल रही है ओके डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज रिमेन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट कोई भी किसी के डेफिनेशन को करेक्ट नहीं बताता ओके क्यों क्योंकि सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं तो बट फिर भी उन सारे कंसेप्ट में से किस कंसेप्ट को हम एक्सेप्ट किया वो हम बात करेंगे कि कौन सा करेक्ट डेफिनेशन होगा स्पीसीज राइट टू डिफाइन स्पीसीज लेकिन डिफाइन करने के लिए स्पीसीज को हमको ये समझना ज़रूरी है कि स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है वॉट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ वी वॉन्ट टू डिफाइन ए स्पीसी अगर जैसे मान लीजिए कि uh, अगर ये ला, अगर ये एक लैपटॉप है आपके सामने ओके okay? एक लैपटॉप है आपके सामने और आ, कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है ये वॉट इज लैपटॉप तो आपको उसको बताना होगा कि ये लैपटॉप क्या है तो जब आप डिफाइन उसको तभी कर पाओगे यू विल बी एबल टू डिफ़ाइन द लैपटॉप ओनली इफ़ यू नो कि आप उस लैपटॉप को देख क्या आ, कैसे यूज़ करना कर सकते हो वो लैपटॉप किस किस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है उसका एप्लीकेशन क्या है तो जब आप लैपटॉप को समझो समझोगे अच्छे से कि उसका एप्लीकेशन क्या है उसका रोल क्या है उसका एडवांटेजेस क्या है समझ रहे हो आप जब लैपटॉप का कंसेप्ट समझोगे कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है तभी आप उसको डिफाइन कर पाओगे किसी और को तो आपको स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो क्या है उस, उसका कंसेप्ट क्या है तभी आप स्पीशीज को डिफाइन कर पाओगे ओके तो देर इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज डेफिनेशन एंड स्पीशीज कंसेप्ट दोनों ही चीज़ों में बहुत मेजर डिफरेंस है सबसे पहले आपको समझना है स्पीशीज का कंसेप्ट क्या है अगर आप एक बार स्पीशीज का कंसेप्ट समझ गए तो आप उसको डिफ़ाइन भी कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्पीसीज़ का डेफिनेशन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है राइट right? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्पीसीज़ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है और इस्पीसीज डेफिनेशन का मतलब क्या होता है स्पीसीज कंसेप्ट का मतलब होता है कि वॉट इज मीनड बाय द वर्ड स्पीसीज स्पीसीज ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो जैसे कि हमने लैपटॉप का एग्जाम्पल लेकर समझा था अगर आप समझ गए कि लैपटॉप का रोल क्या है उसका एप्लीकेशन क्या है उसका वजूद क्या है तो आप लैपटॉप को डिफ़ाइन कर सकते हो राइट स्पीसीज डिफिनेशन इज़ क्राइटेरिया यूज टू डीलिमिट द स्पीसीज़ जब आप स्पीसीज के कंसेप्ट को समझ जाओगे तब आप आसानी से बता सकते हो कि ये सारे इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं या नहीं आपको जब स्पीसीज का क्राइटेरिया पता होगा स्पीसीेशन का क्राइटेरिया पता होगा क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं अगर हमको ये बताने कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस स्पीसी से बिलोंग करता है है ना तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए आप आसानी से इसको क्लासीफाई कर पाओगे कि दिस इंडिविजुअल बिलोंग्स टू विच स्पीसीज राइट तो ये मेजर डिफरेंस uh, है बिटवीन स्पीसीज़ कन्सेप्ट एंड स्पीसीज डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज कन्सेप्ट की तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं अलग अलग कंसेप्ट दिए अबाउट द स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नॉलेज जैसे उन्होंने समझा वैसे उन्होंने स्पीसीज को डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कंसेप्ट तो उसमें से हमें मेनली पढ़ने हैं कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में तो पहला है फेनेटिक स्पीसीज़ कंसेप्ट या आप उसको बोल सकते हो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसी कंसेप्ट दूसरा है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट तीसरा है इकोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट एंड द फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट तो इन सारे ही कंसेप्ट में से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है दैट इज़ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ओके सबसे ज़्यादा करेक्ट इसको ही माना जाता है क्यों इसको सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाता है और इनको करेक्ट नहीं माना जाता ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके जब हम चारों को अच्छे से जान लेंगे तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फेनेटिक स्पीसीज़ कन्सेप्ट के बारे में या आप इसको बोल सकते हो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट तो इसमें क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी शेप और फीचर्स सेम तरीके के दिखने वाले देखो यहाँ पर क्या है जो तो टर्म है दैट इज फेनेटिक फेनिटिक का मतलब क्या होता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरस्टिक्स मॉर्फोलॉजी के बेस पर फिजियोलॉजी के बेसिस पर आप बता सकते हो कि ये एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं या नहीं राइट right? तो इस स्पीसीज कंसेप्ट का मतलब है कि दो तो इंडिविजुअल अगर एक जैसे दिखाई देते हैं उनका बॉडी का शेप एक जैसा है इसका मतलब ये दोनों एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं राइट right? ये है फेनेटिक स्पीशीज़ कंसेप्ट का मतलब जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो है ये है एक वेस्टर्न मिडो लार्क, और ये है ईस्टर्न लार्क दोनों ही बर्ड्स हैं बट दे आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दे आर डिफरेंट स्पीसीज ओके लेकिन दोनों का जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है दोनों का जो बॉडी शेप है दोनों का जो कलर है दोनों का जो अपीयरेंस है वो एक जैसा ही है तो कोई भी जब इन दोनों को देखेगा एक साथ तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं कि या अलग राइट right? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी दे आर दे कैन बी क्लासीफाइड अंडर द सेम स्पीसी कोई भी एक बार में जब इनको देखेगा तो वो यही बोलेगा कि ये दोनों तो चिड़िया ये दोनों बर्ड्स एक ही स्पीसीज की होंगी लेकिन ऐसा नहीं है ये एक वेस्टर्न मिडोलार्क है और एक ईस्टर्न मिडोलार्क है ये दोनों आपस में ब्रीड नहीं कर सकते दोनों का जो सिंगिंग बिहेवियर है सिंगिंग नेचर है सिंगिंग स्टाइल है वो अलग अलग है डिफरेंट सॉन्ग्स एंड डिफरेंट बिहेवियर्स बट देखने में एक जैसे लगते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज आया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इसका मतलब यही है कि अगर दो लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं या तो दो इंडिविजुअल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो वो एक ही स्पीसीज में होते हैं तो ये जो फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट है ये इसलिए सही नहीं है ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जरूरी नहीं है कि एक जैसे दिखाई देने वाले एनिमल्स या बर्ड्स एक ही स्पीसीज में हों ओके okay? तो इसके प्रोज क्या है इसके प्रोज यह है कि इट कैन बी अप्लाई टू बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म राइट इसका मतलब ये है कि ये क्या है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो इनमें भी सिमिलर लुकिंग और एनिमल्स को आप देख सकते हो है ना और जो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सिर्फ जैसे कि फनजाई वगैरह में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है है ना बैक्टीरिया वगैरह में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वो एक जैसे दिखाई देते हैं तो वहाँ पर भी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप स्पीसी क्लासीफाई कर सकते हो लेकिन ये एक क्लासीफिकेशन एक तरीके से गलत है क्यों गलत है जब हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बस यहाँ पर आपको आ, ये समझना है द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड इज़ कि अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर आपको स्पीसीज कंसेप्ट समझना है तो वो ये है कि अगर दो दो तो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक ही जैसे दिखाई देते हैं तो वो सेम स्पीसीज में रख दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट इसके कॉन्स क्या है इट कैन बी मिसलीडिंग मिसलीडिंग है ना ये कि यहाँ पर दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो कोई भी समझेगा कि ये दोनों एक ही स्पीसीज को बिलोंग करता है बट ऐसा नहीं है दैट दैट्स वाई इट इज मिसलीडिंग तो ये था फेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट इसके बाद ये क्यों पॉसिबल होता है ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अपीयर सिमिलर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है चलिए आसानी आसान आसान भाषा में समझते हैं कि इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है देखो इवोल्यूशन जो होता है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके से हो सकता है एक तो हो सक हो सकता है कन्वर्जेंट और एक हो सकता है डाइवर्जेंट दोनों का मतलब अच्छे से समझना ठीक है जैसे कि मान लो ये एक फैमिली है ठीक है इसमें दो भाई हैं टू ब्रदर्स ब्रदर्स दो भाई थे ओके अब इसमें से एक भाई जाकर सेटल हो गया वेस्ट इंडीज़ में ध्यान से समझना आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा और दूसरा भाई सेटल हो गया जाकर यू में राइट right? तो आपको पता है कि जो वेस्ट इंडीज़ का जो इन्वायरमेंट है जो वेदर है जो टेम्परेचर है राइट right? जो सनलाइट है वो अलग टाइप का है यू के जो कंडीशंस है वो बिल्कुल एंटायरली अलग है इसकी जो आने वाली जनरेशन होंगी धीरे 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 उनमें क्या होगा चेंजेस होंगे म्यूटेशन होंगे सिलेक्शन प्रेशर होगा हर चीज़ बदल जाएगी धीरे धीरे इनकी भी चीज़ें बदल जाएंगी तो ये होता है तुम्हारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक ही फैमिली के लोग अलग अलग जगह चले जाकर अलग अलग जगह जाकर बस गए तो उसकी वजह से क्या हुआ दोनों में चेंजेस आ गए अब वहाँ से दोनों जब बहुत सारे जनरेशन के बाद जब साथ में आएंगे तो आप देखकर बता नहीं पाओगे कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे भी या नहीं तो ये होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर हम बात करें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तो इसमें क्या होगा दो तो अलग अलग इंडिविजुअल थे देर इज वन पर्सन एंड देर इज डिफरेंट पर्सन ये यूएसए में था पहले रहता था और ये वेस्ट इंडीज़ में रहता था पहले मान लो या कहीं भी तो हम आ, यही तो एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहे हैं क्योंकि दोनों का जो एनवायरमेंट है बिल्कुल ऑपोजिट है ओके okay. अब क्या हुआ ये दोनों के दोनों आकर रहने लगे इंडिया में राइट right? अब इंडिया में तो बिल्कुल दोनों से अलग कंडीशन है ना तो अब इनकी जो आगे की होंगी बहुत ज्यादा टाइम के बाद जो जनरेशन आएगी वो एक जैसे ही दिखाई देंगे ओके ये जो पर्सन आया था इसकी जनरेशन और इसकी जनरेशन ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने लग जाएगी समझ रहे क्यों क्योंकि वो दोनों ही फैमिलीज जनरेशन एक ही एनवायरमेंट में रह रही थी उनके ऊपर एक ही सलेक्शन प्रेशर था एक टाइप के म्यूटेशन हुए एक टाइप के रिसोर्सिस मिले तो इस वजह से वो दोनों एक जैसे दिखने लग गए तो ये पॉसिबल हो पाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इसीलिए ये दोनों इसलिए एक जैसे दिखाई दे रहे हो सकता है कि ये अलग अलग जगह से आई और एक ही जगह पर रहने लग गई हो एक ही एनवायरमेंट में रहने की वजह से इनका अपीयरेंस एक जैसा हो गया है बट ये आपस में इंटरब्रिट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये आए थे अलग अलग जगह से या अलग अलग स्पीसीज थे बट एक जगह रहने के बाव वजह से इनका अपीयरेंस सेम हो गया इसलिए ये मिसलीडिंग है कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि मेम्बर्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल राइट तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मान लो कि ये है एक ट्री ओके तो हम इस ट्री बनाते हैं अच्छा सा इज़ द ट्री राइट अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो तो ट्री होता है उसके अलग अलग रीजन मर मतलब ये रूट हो गया यहाँ पर रूट हो गया राइट ये एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट है ये हो गई है ना ये एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट है यहाँ पर एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट होगा और यहाँ पर एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट होगा तो एक ही ट्री में जब आप देखोगे तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ निश आर प्रजेंट ये अलग निश है ये अलग निश है ये अलग निश है और ये अलग निश है ओके तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो एक ही निश में रहते हैं जिनका इकोलॉजिकल निश सेम है उनको हम सेम स्पीशीज कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट मतलब यहाँ पर अगर जो भी इंडिविजुअल रह रहे हैं इस 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 एरिया में तो वो एक ही स्पीशीज में काउंट होंगे अब आप खुद सोच के बताओ कि क्या ये सही है क्या ये सही है ऐसा तो नहीं हो सकता आपको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ एक बारे में आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि जहाँ हम रहते हैं ह्यूमंस, जहाँ हम रहते हैं ओके हमारे लोकेलिटी में हम लोग भी रहते हैं ह्यूमंस रहते हैं हमारे साथ डॉग्स रहती हैं हमारे साथ कैट्स रहती हैं हमारे साथ रैट्स रहती हैं, हैं तो ये डॉग क्या है एक अलग स्पीसीज है कैट क्या है ये अलग स्पीसीज है रैट्स अलग स्पीसीज है मॉस्क्यूटो बहुत सारे इंसेक्ट्स कितनी सारी स्पीशीज, बहुत सारे प्लांट्स कितने सारे स्पीशीज हमारे साथ हमारे निश में रहती हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सारे के सारे एक ही स्पीशीज में काउंट हो जाएंगे अब आपको बात क्लियर समझ में आ रही है है ना तो इसीलिए इकोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को भी सही नहीं माना जाता तो स्पीशीज इन डिफरेंट निश इंटरैक्ट विद डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक पार्ट्स ऑफ द एन्वायरमेंट

इधर चले गए तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का लाइट यहाँ का फूड सोर्स अलग था इधर का अलग था उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों में दोनों के अपीयरेंस में दोनों के फिजोलॉजी में चेंजेस आने लग गए दोनों का निश अलग हो गया राइट तो ऑन द बेसिस ऑफ निश ये अलग अलग स्पीशीज बन गए ओके okay? राइट right? अब इसके प्रोज क्या है तो एप्लीकेबल टू अ सेक्शुअल एंड सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म एक्चुअल ऑर्गेनिज्म में भी ये पॉसिबल है जैसे कि जब निश चेंज होगा तो निश के अकॉर्डिंग उनके अपीयरेंस वग़ैरह में चेंजेस आ जाएंगे अगर दो अलग अलग नेचर वाले इंडिविजुअल्स uh, एक ही निश में आकर रहेंगे तो वो उस निश के सेम सिमिलर फूड रिसोर्सिस को सिमिलर इन्वायरमेंट को फेस करेंगे तो उनका बिहेवियर और उनका नेचर एक जैसा होने लग जाएगा जैसे कि मान लो uh, एक एग्जांपल लेते हैं कि डॉग्स हैं ठीक है और कैट्स डॉग कैट्स और काउस ये मोस्ट कॉमनली ये वो एनिमल्स हैं जो हम लोगों के साथ ह्यूमंस के साथ एक ही लोकेलिटी में रहते हैं सर्वाइव करते हैं ओके okay? तो यहाँ पर इस लोकेलिटी में जो ह्यूमंस हम लोग जो खाना खाते हैं हम लोग क्या करते हैं उनमें उसमें से ही कुछ डॉग्स को भी दे देते हैं कैट्स को भी खिला देते हैं और काउस को भी खिला देते हैं तो ये एक ही तरीके के रिसोर्सिस इनको मिल रहे हैं क्योंकि ये एक ही तरीके के लोकेलिटी में है एक ही तरीके के एन्वायरमेंट में है समझ रहे हो तो एक ही निश में ये सब के सब रह रहे हैं एक ही इकोलॉजिकल निश में ये लोग रह रहे हैं एक ही रिसोर्स को यूज कर रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये सारे एक ही स्पीसीज के अंदर काउंट हो जाएंगे समझ रहे हो तो ये है इसका कॉन्स ये इसका लिमिटेशन है इकोलॉजिकल स्पीशीज कांसेप्ट का निश आर डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज द स्पीशीज चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कांसेप्ट की इसमें क्या होता है ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु शेयर ए कॉमन एंसेस्टर है ना जिनका एंसेस्टर कॉमन होगा वो एक स्पीशीज कहलाएंगे स्पीशीज फॉर्म्स वन ब्रांच ऑन ए ट्री जैसे कि यहां पर आप देखिए ये रूट है मतलब ये कॉमन एनसेस्टर है ओके okay? यहाँ से क्या हुआ स्पीसीशन हुआ ये एक इधर अलग चली गई इधर अलग चली गई राइट फिर यहाँ से रूटिंग हो गई तो ये अलग बन गया फिर ये अलग बन गया ये अलग बन गया तो देखो ये जो है ये क्या है कॉमन एनसेस्टर है डी का भी और ई e का भी बट ये हो तो गए हैं अलग ना समझ रहे हो इनका एंसेस्टर सेम है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयर ए कॉमन एंसेस्टर अगर डी का और ई e का एंसेस्टर सेम है तो इसका मतलब ये कि डी और ई e सेम स्पीसीज में आएंगे आप खुद सोच के बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखो अगर आप एलिफेंट्स की बात करो तो अलग अलग एलिफेंट्स का डाइवर्जेंस जब हुआ ब्रांचिंग जब हुई तो देखो जैसे ये है एशियन एलिफेंट्स, ओके, ये है स्ट्रेट एलिफेंट तो हो चुके, ये अफ्रीकन एलिफेंट है जो एंसेस्टर है, वो क्या है? सेम है यहां पर ये सारे एक ही एंसेस्टर से निकलकर आए हैं, तो इस, इस के ये सारे के सारे एलिफेंट एक ही स्पीसीज़ में इंक्लूड होने चाहिए क्या ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि देखो ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पर जा चुके हैं इनकी बॉडी शेप अलग हो चुकी है इनका बिहेवियर अलग हो चुका है कोई ज़्यादा वाइल्ड होता है कोई कम वाइल्ड होता है है ना तो फाइलोजेनेटिक के बेसिस पर स्पीसीशन करना भी सही नहीं है ओके इट्स नॉट ए करेक्ट वे टू क्लासिफाई द स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर सिक्स यहाँ पर ही कॉमन एंसेस्टर था पहले इस टाइम पर ये एक ही स्पीसीज थे बट ये डाइवर्ट हो गए ना अब तो ये अलग अलग बन गया अब आप इसको सेम स्पीसीज इस में काउंट क्यों कर रहे हो ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पर रह रहे हैं इनका बिहेवियर अलग हो गया इनका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग हो गया है ओके तो ये स्पीसीज कंसेप्ट हैं जिनको हम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अब जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीसीज कंसेप्ट ऐसा क्यों तो वो हम जानेंगे ए स्पीसीज ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्पीसीज हम उनको बोलते हैं इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जैसे कि आप एग्जांपल लो हम ह्यूमंस हैं हम ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ ही तो मेटिंग करेगा है ना आपने कभी देखा है कि, कि किसी इंसान की शादी किसी बंदर से हो रही है या किसी और दूसरे एनिमल से हो रही है नहीं क्यों क्योंकि वो एक अलग स्पीसीज है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है वो उसके साथ ब्रीड नहीं कर सकता उसके साथ ब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता समझ रहे हो तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हीं को स्पीसीज कंसिडर करते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं ये मस्ट भी रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये क्या है कैट्स हैं ये कैट्स आपस में मेटिंग करके रिप्रोडक्शन करके एक वायबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है एक दूसरी कैट प्रोड्यूस कर सकती है तो जो ऐसा कर सकते हैं जो इंडिविजुअल्स uh, ऐसा कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू एक वायबल ऑप्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं आप उनको सेम स्पीसीज में रखोगे यह है बायोलॉजिकल स्पीसीज तो ये है एक करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग द स्पीसी तो आई होप आपको आप समझ में चीज़ें धीरे धीरे आ रही होंगी अब जब आप यहाँ पर एग्जाम्पल हो दिस इज ए डॉग एंड दिस इज ए कैट क्या ये आपस में मेटिंग करके रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है कर सकती है नहीं बिल्कुल भी नहीं दिस इज है ना दे रिमेन डिस्टिंग स्पीसीज इवन इफ दे लिव टुगेदर बिकॉज दे कन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ये अलग स्पीसीज है भाई ये अलग स्पीसीज है क्यों क्योंकि ये कंपैटिबल नहीं है रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ मिलकर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते इसलिए दोनों क्या है अलग अलग स्पीसी अब देखो यहाँ पर ये दोनों एक ही जगह पर रह सकते हैं सेम इकोलॉजिकल निस्ट में रह सकते हैं करेक्ट रह सकते हैं है ना तो इकोलॉजिकल स्पीसी कंसेप्ट के, के अकॉर्डिंग तो आप इनको एक ही स्पीसीज में रख देते समझ रहे हो इस चीज़ को इवोल्यूशन में जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करके मिल जाएंगे कि थोड़ा और बहुत पीछे चले जाएंगे वॉल्यूशन में तो क्योंकि इनका इंसेस्टर कॉमन था तो आप इनको एक ही स्पीस में रख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है ना राइट right. फेनेटिक या मॉर्फोलॉजिकल इस पीस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अगर कुछ अपीरेंस आपको मैच कर गया ठीक है जैसे फर्श वगैरह हो गए इसमें फ़र्श नहीं होते तो कुछ, कुछ डॉग्स में बहुत कम होते हैं ठीक है बट कान वगैरह या ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत अपीरेंस अगर आप देखो तो क्या उसके बेसिस पे आप इनको सेम में रख सकते हो बिल्कुल भी नहीं बट अगर जब आप बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप इनको क्लासीफाई करोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं भाई ये अलग स्पीसीज है डॉग और कैट इज अनदर डिफरेंट स्पीसी बाई बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर एंड प्रोड्यूस वायबल ऑफ स्प्रिंग दे आर नॉट कंपैटिबल रिप्रोडक्टिवली आई होप आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी अगर हो रही हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आई कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं ओके okay? तो क्या है ये इट्स अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स इसको ध्यान से समझो कि जो तो स्पीसीज होती है एक स्पीसीज क्या होती है दूसरे स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है इसका तो मतलब ये है कि डॉग्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम कैट्स ये जो डॉग है वो डॉग्स के साथ ही मेटिंग करेगा ये कैट कैट के साथ ही मेटिंग करेगी चाहे ये साथ में कितना भी रह ले समझ रहे चीज को बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते इसी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसी की वजह से इस को हम क्लासीफाई आसानी से कर सकते हैं ओके जीन फ्लो और एक्सचेंज इज लिमिटेड इन नेचर बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म ही है जिसकी वजह से जीन एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज ब्लॉक्ड और लिमिटेड जब इन दोनों में रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कुत्तों के जीन बिल्लियों में नहीं जाएंगे और बिल्लियों की जीन्स कुत्तों में नहीं आएंगे और यह होना भी नहीं चाहिए ओके okay? है ना ताकि स्पीशीज की जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे ओके चलिए अब हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है अगर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन समझ में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत भी जो स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में डाउट होगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि टू रिमेन डिस्टिंक्ट एंड टू ब्लॉक द जीन फ्लो टू मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज रिक्वायर आइसोलेटिंग बैरियर्स इसका मतलब ये है कि ये जो डॉग्स हैं और ये जो कैट है कि ये अलग अलग स्पीसीज है अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है क्यों अलग अलग स्पीसीज है ये भी पता चल चुकी है तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टू रिमेन डिस्टिंक्ट रिमेन डिस्टिंक्ट का मतलब कि कुत्ता कुत्तों की तरह ही बना रहे हैं. मतलब डॉग्स ऑलवेज अपेयर लाइक डॉग्स एंड कैट शुड ऑलवेज अपेयर लाइक कैट्स ये होने के लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों के बीच में जीन्स का फ्लो ना हो टू ब्लॉक द जीन फ्लो टू मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज ये वन स्पीसीज है ये डिफरेंट स्पीसी है इनके बीच में जीन फ्लो ना हो है ना और ये डिस्टिंक्ट बने रहे इसके लिए क्या जरूरी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज रिक्वायर आइसोलेटिंग बैरियर इन दोनों के बीच में एक आइसोलेटिंग बैरियर होना चाहिए कहीं पर एक आइसोलेटिंग बैरियर होना चाहिए कि आपस में मीटिंग ना कर पाए ओके okay? राइट right? तो ये चीज़ है इसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरेंसिक बैरियर टू जीन एक्सचेंज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पॉसिबल कैसे हो पाता है क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में इंटरेंसिक बैरियर्स होते हैं इसकी वजह से जीन एक्सचेंज नहीं होता अब ये इंटरेंसिक बैरियर क्या होता है तो वो होता है अलग अलग स्पीशीज का बिहेवियर डॉग्स का बिहेवियर अलग होता है कैट्स का बिहेवियर अलग होता है माउस का बिहेवियर अलग होता है समझ रहे हो डस का बॉडी का शेप अलग होता है कैट्स का बॉडी का शेप अलग होता है माउस के बॉडी का शेप अलग होता है तो ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि डॉग्स और कैट्स आपस में मेटिंग नहीं कर सकते कैट्स माउस आपस में मेटिंग नहीं कर सकते एक तो बिहेवियर अलग बॉडी शेप अलग बॉडी शेप हो, अलग होना की वजह से वो मेटिंग के लिए भी कंपेटिबल नहीं हो पाएंगे समझ रहे हो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सच बैरियर ब्लॉक जीन फ्लो बिटवीन द स्पीसीज एंड लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड क्योंकि दोनों के बॉडीज में फिजोलॉजी में बिहेवियर में ओके okay, बैरियर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना और हाइब्रिड का फॉर्मेशन होना भी नहीं चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में कि हाइब्रिड्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं यहाँ पर आप देखो जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसको हमने कैटेगराइज़ किया है थ्री डिफरेंट क्लासेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमिएटिंग बैरियर क्या होता है प्री मेटिंग बैरियर क्या होता है फिर हम बात करेंगे पोस्ट मेटिंग मेटिंग बट प्री जयगोटिक बैरियर क्या होता है फिर हम बात करेंगे पोस्ट जैगोटिक बैरियर्स क्या होते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मेटिंग बैरियर के बारे में प्री मेटिंग बैरियर का मतलब क्या होता है ये समझो सबसे पहले कि ये डॉग हैं डॉग्स हैं और ये कैट्स हैं ओके तो जैसे हमने बात की थी ना कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पॉसिबल हो पाता है कि जिनके वजह से ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो वो कौन कौन से बैरियर्स हैं वो अब हम समझने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला आपका प्री मेटिंग बैरियर तो प्री मेटिंग बैरियर का मतलब होता है कि इन दोनों के मेटिंग से पहले ही कौन कौन से बैरियर्स होते हैं समझ रहे हो ये मेट ही ना कर पाए आपस राइट तो उसमें सबस्... देखो क्या पॉइंट्स हैं फ्रॉम द ट्रेट डिफरेंस दैट प्रिवेंट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिस्टिंक्ट स्पीशीज ट्रेट का मतलब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है ओके बैरियर टू जीन एक्सचेंज विल एग्जिस्ट इफ पोटेंशियल मेट डू नॉट मीट अगर डॉग्स क्या है वो भी एक पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए कैट्स भी पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए समझ रहे हो बट दोनों के बीच में जीन एक्सचेंज नहीं होगा कब जब उन दोनों के बीच में एक बैरियर होगा प्री मेटिंग बैरियर वो क्या क्या हो सकता है तो वो देखो उसमें एक हो सकता है टेम्पोरल आइसोलेशन दूसरा हो सकता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन तीसरा हो सकता है बिहेवियर आइसोलेशन और चौथा हो सकता है मैकेनिकल आइसोलेशन तो मैंने अभी तक आपको डॉग और कैट का एक एग्जाम्पल लेकर समझाया बट आप इन जनरल समझिए कि बहुत सारे अलग अलग जो स्पीसीज होती है ऐसा तो नहीं है कोई भी स्पीसीज किसी के साथ भी मेटिंग कर रही है किसी के साथ भी रिप्रोडक्शन कर रही है ऐसा नहीं होता आपको पता है क्यों नहीं होता अब वो समझिए क्यों क्योंकि उनमें प्री मेटिंग बैरियर्स होते हैं तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में टेम्पोरल आइसोलेशन भी होता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी होता है बिहेवियरल आइसोलेशन भी होता है और मैकेनिकल आइसोलेशन भी होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ टेम्पोरल आइसोलेशन तो वो होता है ड्यू टू सीजनल और डाई डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कुछ स्पीसीज विंटर में निकलती हैं बाहर कुछ समर में निकलती हैं बाहर कुछ रेंस में निकलती हैं बाहर तो जो विंटर में निकलती हैं वो क्या समर वाले के साथ वेटिंग कर पाएंगी पॉसिबल नहीं है तो ये अलग स्पीसीज रहती है अलग स्पीसीज रह जाती है समझ रहे हो अब मान लो चलो आप कहोगे कि चलो विंटर में तो ऐसा नहीं कि है कि एक ही स्पीसी निकलती है बहुत सारी निकलती है तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ स्पीसीज ड्यूरिंग द डे निकलती है कुछ ड्यूरिंग द नाइट निकलती है कुछ दोपहर तो में निकलती है कुछ शाम को निकलती है सबका निकलने के निकलने का टाइम अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द स्पीसी आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर और जब वो आइसोलेटेड रहेंगे तो मेटिंग कैसे करेंगे इसलिए ये क्या है प्री मेटिंग बैरियर मेटिंग के पहले का ही बैरियर है राइट right. उसके बाद उसके बाद यहाँ पर देखो मान लो कि चलो दो तो स्पीसीज एक साथ निकल रही है सुबह सुबह निकल रही है घूमने के लिए ओके okay. उसके अलावा भी आइसोलेशन हो सकता है कैसे इकोलॉजिकल आइसोलेशन जिसमें होता है ड्यू टू डिफरेंट निश है ना राइट right. तो मान लो कि दो स्पीसीस हैं अलग अलग वो एक ही टाइम पे निकल रहे हैं मतलब रात को ही निकलती है बट दोनों का निश अलग अलग हो सकता है जिसकी वजह से भी वो आइसोलेटेड रहेंगी और मीटिंग नहीं कर पाएंगी फिर होता है बिहेवियरल आइसोलेशन इसमें क्या होता है इंक्लूड्स विजुअल कॉम्युनिकेशन एज लमेज कलरेशन इन बर्ड्स फिशिंग फ्लैशिंग पैटर्न ऑफ फायरफ्लाइस कॉलिनेटर्स अट्रैक्शन टू फ्लावर कलर तो अलग अलग एनिमल्स का बिहेवियर अलग अलग होता है ना जैसे बर्ड्स क्या करती है अलग अलग कलर्स के उनके फेदर्स होते हैं जो उसी टाइप के बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं है ना फायर फ्लाइज जो होती हैं जुगनू जिसको बोलते हैं आप उनका फ्लैशिंग पैटर्न जो होता है वो जुगनुओं को अट्रैक्ट करता है उन उसी टाइप के स्पीसीज को है ना ऐसा तो नहीं है कि जुगनू अट्रैक्ट कर रहा है किसको पी कॉक को कि आओ साथ में मेटिंग करते हैं पॉसिबल है इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना क्यों क्योंकि बिहेवियरल आइसोलेशन है दो अलग अलग स्पीसी ऑर्डिनेटर्स अट्रैक्शन टू फ्लावर कलर जो फ्लावर का जो कलर होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को समझ रहे हो तो ये होता है बिहेवियरल आइसोलेशन इसके बाद हम बात करते हैं एकोस्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें जो बर्ड्स होती हैं वो गाना गाती हैं है ना सॉन्ग्स बाय मोस्टली मेल बर्ड्स हर जगह पर मेल्स होते हैं वही रिझाने की को कोशिश करते हैं फीमेल्स को यहाँ पर भी आप देख लोगे लड़कों को गाना वाना गाते गाते लड़कियों को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं तो यहाँ पर बर्ड्स में भी होता है ठीक है तो वो वहाँ पर वो फीमेल बर्ड्स को रिझाने के लिए उनको मनाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाते हैं एक फ्रॉक्स भी करते हैं ऐसा इंसेक्ट्स भी करते हैं तो ये इनका अपना बिहेवियर है तो बोलते हैं एकॉस्टिकल कम्युनिकेशन तो ये बिहेवियरल आइसोलेशन है अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो कि ह्यूमस में भी अगर आप देख लो जैसे मान लो कि एक बिलोंग करता है एक बिलोंग करता है चाइना से ओके और एक बिलोंग करता है इंडिया में बिहार से अब ये चाइनीज सॉन्ग गाएगा तो क्या कोई बिहारी बंदा ओके या कोई बंगाली इंडिविजुअल इससे अट्रैक्ट होगा नहीं होगा दूसरा चाइनीज़ ही अट्रैक्ट होगा ना so तो दिस इज़ नोन एज एकॉस्टिकल कम्युनिकेशन समझ रहे हो तो यहाँ पर जो जो भी बिहारी है उनको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है ना ज़्यादातर लोग ले, ले लेते हैं एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ ठीक है तो खैर छोड़ो ये सारी बातें अलग हैं है ना जस्ट ए जोक और आपको समझाने के लिए बताया मैंने एग्जाम्पल तो अब देखो यहाँ पर आ, फिर होता है केमिकल कम्युनिकेशन है ना केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कुछ स्पीसीज फिरम सेक्रेट करते हैं जिनको बोलते हैं सेक्स फेरोमोन्स केमिकल्स होते हैं ये तो उसी पर्टिकुलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करेंगी जैसे इंसेक्ट्स में देखा जाता है ओके okay, जिससे चीटियों में देखा जाता है इंसेक्ट्स में देखा जाता है सॉरी आंट्स में देखा जाता है वो अपने पीछे पीछे फिरमोस छोड़ती हु जाती है और उनके पीछे पीछे, 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 पीछे चिटियां लाइन से चलती जाती है चलती रहती है चलती रहती तो ये क्या है दिस इज बिहेवियरल आइसोलेशन फिर हम बात करेंगे मैकेनिकल आइसोलेशन की तो इसमें क्या होता है इफ मेटिंग इज अटेम्प्टेड अगर मेटिंग अटेम्प्ट भी हो गई है ना पहले तो क्या होता है दोनों में टेम्पोरल आइसोलेशन हो सकता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है बिहेवियरल आइसोलेशन होता है मान लो कि कोई दो ऐसे स्पीसीज जो बहुत ही ज़िद्दी हैं इन सब आइसोलेशन को क्रॉस करके इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके मेटिंग भी करने आ जाते हैं तब भी भाई उनमें मैकेनिकल आइसोलेशन तो होगा ना मतलब उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होगी बॉडी का शेप अलग होगा राइट तो उसकी वजह से क्या होगा इफ़ मेटिंग इज अटेम्प्टेड इन स्पाइट ऑफ ऑल अबव बैरियर्स तो क्या होगा स्पर्म मे नॉट बी ट्रांसफर टू एग सक्सेसफुली क्योंकि दोनों की फिजियोलॉजी अलग है समझ रहे हो तो ये सारे प्री मीटिंग बैरियर्स होते हैं इसके बाद आता है पोस्ट मीटिंग बट प्री जागोटिक बैरियर अब मान लो कि चलो दोनों में मीटिंग हो भी गई है ना तो आपको पता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं जयगोट बनाते हैं ये आपको पता है तो यही यहां पर हमको समझना है कि पोस्ट मीटिंग प्री जाएटिक बैरियर मतलब इन दोनों में mating तो हो गई बट के बनने से पहले मतलब इस टाइम पर कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं गैप बिटवीन मीटिंग एंडोट फॉर्मेशन सबको पता है मेटिंग होते ही थोड़ी ना बन जाता है एक प्रोसेस होता है zygote बनने में पोस्ट मेटिंग बट प्रीजोटिक बैरियर मेटिंग के बाद और जयगोट फॉर्मेशन होने से पहले कौन से बैरियर होते हैं दो स्पीसीज में वो देखते हैं तो पोस्ट मेटिंग बट प्री जैगोटिक बैरियर इंक्लूड्स फर्म और पोलिन कंपटीशन बिटवीन कॉन्स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक मेल्स अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई फीमेल है एनिमल है फीमेल एनिमल है ओके तो सबसे पहले आप स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का मतलब समझिए कौन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हो और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो अलग 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 स्पीसीज़ को बिलोंग करते है। तो मान लो ये फीमेल है ये एक ए स्पीसीज को बिलोंग करती है। ओके और इस फीमेल ये जो फीमेल है ये इसका मल्टीपल इंसेमिनेशन हुआ मान लीजिए कि मल्टीपल इंसामिनेशन हो गया मल्टीपल इंसामिनेशन का मतलब होता है कि इसने दो अलग अलग मेल्स के साथ मीटिंग की तो अलग अलग मेल के साथ मीटिंग की बट इसमें से जो ये वाला मेल है ये मेल भी इसी स्पीशीज को बिलोंग करता है जिसको ये फीमेल करती है बट इस फीमेल ने गलती से इस मेल के साथ भी मीटिंग कर ली जो कि दूसरे स्पीशीज को बिलोंग करता है। तो ये हो गया इसके लिए हेट्रोस्पेसिफिक स्पेसिफिक और ये हो गया मेल इसके लिए कॉन स्पेसिफिक समझ रहे हो तो क्या होता है यहाँ पर अब क्या होगा कि मेटिंग तो हो गई है अब क्या होगा कि मेटिंग के बावजूद जो स्पर्म है कौन स्पेसिफिक मेल का? और हेटरो स्पेसिफिक मेल का का और उन के बीच में भी कंपटीशन होगा कि दोनों में से कौन फीमेल के एग तक पहुंच पाएगा कौन पहुंच पाएगा ऑब्वियसली कौन स्पेसिफिक क्यों क्योंकि इन दोनों की क्योंकि दोनों बिलोंग करते हैं एक ही स्पीसीज को दोनों की फिजियोलॉजी सेम होगी दोनों का मैकेनिज्म सेम होगा रिप्रोडक्शन का तो ये दोनों ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे एज़ कम्पेयर टू हेट्रोस्पेसिफिक मेल तो पोस्ट मेटिंग के बाद यहाँ पर एक बैरियर हो सकता है दूसरा क्या है क्रिप्टिक फीमेल चॉइस इन केस ऑफ मल्टीपल इंसेमिनेशन जो मैंने आपको बता दिया अब इसमें क्या होता है कि मान लो मल्टीपल इंसेमिनेशन हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया तो उसमें चॉइस कौन कर सकता है क्रिप्टिक फीमेल क्रिप्टिक फीमेल किसको बोला जाता है उसी का जिसका मल्टीपल इंसेमिनेशन हुआ है अब वो किसको सेलेक्ट करेगी कॉन स्पेसिफिक मेल को क्यों क्योंकि कॉन स्पेसिफिक मेल के साथ उसके एग कॉन स्पेसिफिक मेल के स्पर्म की और उस क्रिप्टिक फीमेल के एग की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी क्यों क्योंकि आपको पता है कि जो स्पर्म और एग का जो फ्यूज़न होता है वो रैंडम तो होता नहीं है उनमें इंटरेक्शन होता है जिस हो सकता है इस पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस इसपे भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों के बीच में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है तो दोनों एक ही स्पीसी को बिलोंग करेंगे तो दोनों की फिजियोलॉजी सेम होगी एक टाइप के एक ही टाइप के प्रोटीन्स होंगे दोनों का जो कंपैटिबिलिटी वो ज़्यादा अच्छा होगा इनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा है ना तो इस केस में क्या होगा अगर मल्टीपल इन्सामिनेशन हो भी गया तो क्रिप्टिक फीमेल क्या करेगी चॉइस करेगी और कौन स्पेसिफिक मेल के स्प को ही सेलेक्ट करेगी ट्राइकोट फॉर्मेशन करने के लिए गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बिकॉज गैमिट रिकोग्निशन इज मीडिएटेड बाई स्पेसिफिक प्रोटीन क्योंकि मैंने आपको बता दिया ओके तो जायगोट बनने से पहले भी बैरियर होते हैं अब हम बात करते हैं कि मान लो चलो जायगोट बन गया मान लो कि दो तो अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स ने मेटिंग की मेल जो था वो अलग स्पीशीज का था मान लो ए स्पीशीज का था और फीमेल जो थी वो बी स्पीशीज की और दोनों ने मेटिंग कर ली और जायगोट भी बन गया मान लो तो जायगोट कैसा होगा ये हाइब्रिड जायगोट होगा अब क्या तो जायगोट बनने के बाद भी क्या होता है एक प्रोसेस होता है कि वो इंडिविजुअल बनने का प्रोसेस होता है है ना तो जायगोट बनने के बाद भी बैरियर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के है ना? तो वो क्या है तो वो समझते हैं यहाँ पर रेफर टू डेवलपमेंट डिफेक्ट्स इन हाइब्रिड that लीड टू complete और पार्शियल इन वाइबिलिटी एंड स्टेरिलिटी अब क्या होता है हाइब्रिड बन तो गया बट या तो ये हाइब्रिड सरवाइव नहीं कर पाएगा आगे चलकर कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा राइट रिप्रोडक्टिव एज तक ही नहीं पहुंच पाएगा और अगर इन केस ये रिप्रोडक्टिव एज तक ये हाइब्रिड पहुंच गया तो वो स्टेराइल होगा मतलब वो फर्दर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो तो अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स या एनिमल्स अगर आपस में गलती से फ्यूज कर भी लें और हाइब्रिड प्रोड्यूस कर भी दें तो वो हाइब्रिड वापस नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और ये चेन यहीं पर खत्म हो जाएगी तो ये स्टार्टिंग वाले स्पीशीज डिस्टिंक्ट बने रहेंगे समझ रहे हो इस चीज को तो ये होता है पोस्ट जायगोटिक आइसोलेशन हाइब्रिड स्टेरिलिटी ऑफ एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर हाइब्रिड स्टेरिलिटी ऑफ हिन्नी हिन्नी क्या होती है हिन्नी इज द हाइब्रिड एफ जनरेशन ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डी तो यहाँ पर अगर हॉर्स मेल है और उसकी अगर हमने रीडिंग करा दी फीमेल डंकी के साथ तो क्या होगा जो इसका एफ वन जनरेशन होगा उसको बोलते हो हिन्नी ओके तो मान लो कि इनके बीच में जायकॉट बन भी गया वो जयकॉट डेवलप भी हो गया इंडिविजुअल में जिसको आप हिन्नी बोलते हो बट दिस हिन्नी विल बी स्टेराइल स्टेराइल का मतलब ये होता है कि आर अनेबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन ये तो स्टेराइल है अब आगे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा तो ये चेन यहीं पर टूट जाएगी ओके और ये डिस्टिंक्ट बने रहेंगे हॉर्स की स्पीशीज और डंकी की स्पीशीज और भी अगर हम एग्जांपल लें तो वो होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी ऑफ म्यूल म्यूल किसका प्रोडक्ट होता है मेल डंकी का और फीमेल मेल डंकी और फीमेल हॉर्स ओके मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स और अगर एग्जांपल ले तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी ऑफ लाइगर यहां पर देखो यहाँ पर क्या होता है हम डिस्कस कर रहे थे हाँ हाइब्रिड स्टेरिलिटी ऑफ थी लाइगर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है डिफरेंस है कि हाइब्रिड एफ टू जनरेशन ऑफ मेल लायन एंड फीमेल टाइगर इज स्टेराइल तो जैसे मान लो कि मेल लायन ने मेट किया मेटिंग की फीमेल टाइगर के साथ और इन्होंने एफ में प्रोड्यूस किया क्या लाइगर तो यहाँ पर क्या होता है ये F1 में तो ये फर्टाइल होता है ओके और अगर ये किसी फर्दर किसी लायन के साथ या टाइगर के साथ या लाइगर के साथ मेट करेगा तो F2 टू जनरेशन जो आएगी इसकी लाइगर की वो तो F2 टू जनरेशन स्टेराइल होगी तो इसमें क्या होता है बस एक ही जनरेशन तक फर्टिलिटी रहती है और F2 टू जनरेशन में फर्टिलिटी कायम नहीं रहती स्टराइल हो जाते तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है कि चेन टूट जाती है और स्पीशीज डिस्टिंक्ट रहती हैं तो लाइगर भी कम देखने को मिलते हैं और फोर्थ एग्जांपल है टाइगर का तो इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है जो टाइगर होता है वो मेल होता है और फीमेल होती है लायन तो इसमें भी एफ टू जनरेसन स्टेराइल रहती है एफरन फॉर टाइल रहती है तो ये था पोस्ट जाइबोटिक बैरियर ओके इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीएशन की तो जो स्पीशीएशन है स्पीशीएशन का मतलब किस तरीके से स्पीशीएशन हो रहा है ओके नई स्पीशीज बन रहे जिसमें हम बात करेंगे एलोपेट्रिक स्पीशीएशन की स्पीशीएशन की और पैरापेट्रिक स्पीशीएशन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपेट्रिक स्पीशीएशन की इसमें क्या होता है सच एज माउंटेन रेंजेस एंड वाटर बॉडीज तो इसमें समझिए ऐसा मान लो कि ये एक पॉपुलेशन थी ओके okay? और क्या हुआ कि इस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स रहते थे इसमें से क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल्स जैसे यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स क्या हुआ कि ये माउंटेन है ओके okay? मतलब माउंटेन इज ए काइंड ऑफ जोग्राफिकल बैरियर तो इसमें से क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल्स माउंटेन के इस तरफ चले गए सेटल होने के लिए और कुछ इधर चले गए तो अब क्या होगा दोनों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होगा इसकी वजह से म्यूटेशंस होने लगेंगी इस अलग अलग सेलेक्शन प्रेशर होगा अलग वेदर होगा अलग टेम्परेचर होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा ये धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे ये अलग टाइप की स्पीसीज़ बन जाएगी और दूसरी टाइप दूसरी तरफ जो होगा वो अलग टाइप की स्पीशीज़ बन जाएगी ओके और जब कभी इन फ्यूचर आगे ये आपस में मिलेंगे तो क्योंकि अब ये अलग स्पीसीज बन चुकी है तो ये आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही अलग स्पीसीज बन गई तो ऐसे टाइप के स्पीसीशन को बोला जाता है एलोपेट्रिक स्पीसीशन जिसमें जोग्राफिकल बैरियर आ जाता है उसकी वजह से नई स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आती है इसके बाद हम देखते हैं कि एलोपेट्रिक पॉपुलेशन बिगिन टू डाइवर्स जेनेटिकली एज द इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस म्यूटेशन सिलेक्शन एंड ड्रिफ्ट ये आपको समझ में आ गया होगा दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑल्सो एंड नो लॉन्गर वुड बी एबल टू इंटरप्रीट है ना क्यों क्योंकि अलग अलग जगह पर रहने की वजह से अलग अलग कंडीशन में एनवायरमेंट में रहने की वजह से उनकी बॉडी शेप भी अलग होने लग जाती है राइट right? ओके okay. उनका बिहेवियर अलग हो जाता है उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग हो जाता है तो जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल है Example, इसका डारविनियन फिंचिस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है एंसेस्ट्रल फिंचिस और ये जो एंसेस्ट्रल फिंचिस थी ये अलग अलग यहीं से इसी में से कुछ अलग जगह पर चली गई कुछ दूसरी जगह पर और कोई तीसरी जगह पर चली गई सबका जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग थी तो उनका जो बीक का जो साइज़ था और जो पार्टेस थी वो चेंज हो गई तो कुछ बन गए इंसेक्ट ईटिंग फिंचिस कुछ बन गए वुड पिकर और कुछ बन गए सीड ईटिंग इस तरीके से जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से एक स्पीसीज तीन अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई और ये एक इस वजह से होता है एलोपेट्रिक स्पीशीएशन की वजह से दूसरा होता है सिम्पेट्रिक स्पीशीएशन इसमें क्या होता है डज नॉट रिक्वायर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है होता है कि इसमें फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन रिजल्ट ड्यू टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सिस डिस्ट्रप्टिव सेलेक्शन एंड सेक्शुअल सेलेक्शन इसमें क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन में रहने वाले लोगों के बीच में क्या होता है जैसे ये सारे लोग हैं एक ही पॉपुलेशन में रहते हैं ओके okay, अब क्या है यहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं ओके सेम टाइप के रिसोर्स हैं ठीक है ऐसा सेम टाइप के रिसोर्स हैं पहले क्या थे कि ये सारे लोग इस रेड वाले रिसोर्स को ही यूज़ कर रहे थे बट यहाँ पर कुछ अलग रिसोर्स भी प्रेजेंट थे जैसे ये ब्लू वाले देख रहे हो तो ये ब्लू वाले जो है वो अलग टाइप के रिसोर्स और रेड वाले अलग टाइप के रिसोर्स हैं बट सबको जो पसंद था पहले वो रेड टाइप का रिसोर्स था बट क्या हुआ टाइम के साथ क्या हुआ रिसोर्स की कमी पड़ने लगी तब कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों कॉम्पिटन क्रिएट करना है जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने क्या करा इन रेड वाले रिसोर्स को खाना छोड़ दिया अब ये इन वाले पर डिपेंडेंट हो गए तो क्योंकि उनका फूड रिसोर्स चेंज हो गया है ना ये जिसमें आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो एक ही पॉपुलेशन में जब कुछ लोग अलग रिसोर्सिस पर डिपेंड हो जाए तो उनके बीच में क्या होने लग जाती है स्पीसीेशन होने लग जाती है तो इसी में से क्या होता है कि एक अलग स्पीसीज जनरेट हो जाती है तो उस टाइप की स्पीसीशन को बोलते हो सिम्पेट्रिक स्पीसी कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सिस है ना और इसमें डिस्ट्रप्टिव सेलेक्शन भी देखने को मिलता है डिस्ट्रप्टिव सेलेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें देखो पहले एक ही टाइप के लोग नज़र आ रहे थे बट जब अलग अलग रिसोर्सिस यूज़ करने लगे तो इसमें अलग अलग टाइप के लोग नज़र आने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्स तो डिस्ट्रप्शन हो गया यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉडी शेप में ठीक है सेक्शुअल सेलेक्शन के बेसिस पर भी स्पीशिएशन हो सकता है अब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे जिनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग ही पसंद आने लग गए उसकी बेसिस पर भी क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वहाँ पर विद इन पॉपुलेशन भी हो जाता है तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं सिंपेट्रिक स्पीशिएशन के कि एक ही पॉपुलेशन में ड्यू टू कॉम्पटिशन ऑफ रिसोर्स्यूशन की वजह से क्या होता है स्पीसीशन होने लग जाती है एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है डाइवर्जेंस देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ मैगड फ्लाई इंटू टू सब स्पीसीज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल ट्रीज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूनाटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट में जो मैगड फ्लाई पहले रहती थी वो एक ही स्पीसीज की थी बट उनका डाइवर्जेंस हो गया कब जब वहाँ पर एप्पल ट्रीज लगाए गए बहुत सारे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल स्पीसीज थी मैगड फ्लाई की वो पहले किस पर डिपेंडेंट थी हॉथॉर्न फ्रूट पे एक ये फ्रूट होता है कोई वो जो इस, इस तरीके का दिखाई देता है तो पहले सारे के सारे एक फ्लाईज इस पर इस पर डिपेंडेंट थी बट जब वहाँ पर एप्पल ट्रीज लगाई गई तो कुछ एप्पल को भी एज ए फूड रिसोर्स यूज करने लगी उन स्पीसीज में क्या हो गया डाइवर्जेंस हो गया अब दो अलग अलग टाइप की मैगड फ्लाई की स्पीसीज आ गई तो ये क्या है सिम्पेट्रिक स्पीसीशन विद इन द पॉपुलेशन सेम अलग अलग फूड रिसोर्सिस को यूज करने की वजह से स्पीसीशन हो गया अब आता है पैरापेट्रिक स्पीसी तो इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स एंड न्यू स्पीसीज फॉर्मड वेन ए पॉपुलेशन एंटर्स ए न्यू निश और है रेंज ऑफ पेरेंट स्पीसी इसका मतलब ये होता है कि जैसे यह है पॉपुलेशन पेरेंट पॉपुलेशन ठीक है अब क्या होगा इसमें से कुछ लोगों ने क्या करा यहाँ से ना थोड़ा सा अलग हट गए इस जगह से थोड़ा सा अलग हट गए बट दूर नहीं गए इस पॉपुलेशन से अटैच रहे जैसे यह है इसी पॉपुलेशन से अटैच्ड रहे यहाँ पर समझ रहे हो बट थोड़ा सा अलग हट गए तो थोड़ा सा जोग्राफिकल कंडीशन वगैरह अलग हो गई रिसोर्स वगैरह अलग हो गए समझ रहे हो दिस अकर्स इफ देर इज एनी ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज हैबिटेट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये लोग डर गए होंगे और यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गए होंगे देर इज नो एक्सट्रेंसिक geographical बैरियर कोई geographical बैरियर नहीं है इन दोनों के बीच में ठीक है इंडिविजुअल्स लाइक टू मेट विद देयर ज्योग्राफिकल नेबर्स इसमें क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके साथ ज्यादा पसंद करते हैं ब्रीड करने के लिए एज कम्पेयर टू दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ जो अलग लोकेलिटी में रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो स्पीसीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है देखो ये हो गई पॉपुलेशन एक ठीक है और इसी पॉपुलेशन में से हट के एक दूसरी पॉपुलेशन आ गई यहीं से हट के इधर आ गई थी बट ये इसके साथ ओवरलैप कर रही थी मतलब इसके साथ मेटिंग भी कर रही थी अब क्या होगा इस इस इंटरेक्शन जोन में दोनों टाइप की स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है मेटिंग कर रही है है ना तो यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट होगा ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो कुछ अलग टाइप के भी दिख सकते हैं तो ये क्या हो गए ये भी एक तरीके से स्पीसीेशन हो गया तो ये कहलाता है पैरापेट्रिक

एक्सटिंक्ट हो जाती है खत्म हो जाती है एंटायरली नई स्पीशीज देखने को मिलती है इसको तो बोला जाता है एनाजेनेसिस द एसेस्ट्रल स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट नो ब्रांचिंग पैटर्न इसमें कोई ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता है अगर हम बात करें क्लैडोजेनेसिस की तो इसमें क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ वन स्पीसीज इंटू टू डिफरेंट स्पीसीज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इसमें क्या होती है स्प्लिटिंग हो जाती है ये एक स्पीसीज थी स्पीसीज ए इवोल्यूशन में चलती रहे चलती रही कुछ टाइम पर ऐसा कुछ हुआ होगा जोग्राफिकल बैरियर आ गया होगा या कुछ कंडीशन ऐसी आ गई होंगी कि यहाँ से कुछ लोग इधर चले गए कुछ लोग इधर चले गए तो यहाँ पर क्या हो गई स्प्लिटिंग हो गई जिसको बोलते हैं रूटिंग हो गई तो ए स्पीसीज बी में और सी में अलग अलग कन्वर्ट हो गई तो ये अलग स्पीसीज हो गई ये अलग स्पीसीज हो गई यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है ना तो ये क्या हो गया ब्रांचिंग इवोल्यूशन इसको क्लैडोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ वन स्पीसीज इंटू टू डिफरेंट स्पीसीज ड्यूरिंग द इवॉल्यूशन इसकी वजह से क्या होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट होती है इट प्रमोट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो अगर कुछ डाउट था तो कमेंट में आ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो कैसी लगी वो भी लिख कर आप बता सकते हो राइट right? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए थैंक यू सो